हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। ज़िंदगी में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है क्या सही है क्या गलत है। भाई, जो हमारे सामने इंटरव्यू आता है हम उसी पर ही यकीन करने लगते हैं, या ये हम कहें कि जो भी हमारे सामने न्यूज़ आती है हम उस पर यकीन करने लगते हैं। वैसे ही मैं बात करने वाली हूँ, इन दिनों सबसे ज़्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं राजन शाही, प्रोड्यूसर हैं और जो हैं कह सकते हैं काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं, टीवी इंडस्ट्री के जाने माने किंग माने जाते हैं। ऐसे में बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी राजन शाही को जो है, जो फैसला अभी राजन शाही ने लिया उस पे जो है उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। ऐसे में फिर चाहे एकता कपूर हो या उनके साथ काम कर रहे स्टार हो, ऐसे में ये तो आप जानते ही हैं कि राजन शाही पहले प्रोड्यूसर है जिन्होंने रातों रात अपने मेन पॉपुलर शो के मेन चेहरों को शो से बाहर कर दिया। ऐसे में जो है वो काफी इंटरव्यू भी देते हुए नजर आते हैं। कई बार होता है कि जब उनके शो में प्रॉब्लम आती है तो हर कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टार अपनी प्रॉब्लम को छुपाता है कि प्रॉब्लम जितनी बाहर आएगी उसमें चार न्यूज़ लगकर और ज़्यादा बखेड़ा मचाएगी, तो उससे अच्छा है कि न्यूज़ को कहो कि ये फेक है। बात संभालने की पूरी कोशिश की जाती है। ऐसे ही बिल्कुल राजन शाही, ये रिश्ता क्या कहलाता में हमेशा ही सुर्खियों में छाए रहते हैं। फिर चाहे वो शो को लेकर हो, शो की टीआरपी को लेकर हो, शो की पोजीशन को लेकर हो, और इन दिनों तो कुछ स्पेशल ही है क्योंकि उन्होंने अपने जाने माने दो चेहरों को शो से रातों रात फायर कर दिया। काफ़ी इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर चाहे जिस दिन फायर किया था जब, या फिर जब फायर किया था तुरंत सोशल मीडिया पे मैसेज भी किया था ताकि इस न्यूज़ को कोई फेक ना कहे, ये हकीकत है। ऐसे में राजन शाही जो है अपने शो में हमेशा ही अपडेट रखते हैं, या ये कहें कि जो इंसान अपडेट रखता है तो वो फालतू की बातें नहीं सुनेगा। आज की डेट में टीआरपी इतनी ज़्यादा निकालना मुश्किल होता है क्योंकि अगर आपके शो में दम है तो ज़रूर टीआरपी आएगी, नहीं है तो फिर नहीं। तो ऐसे में जब राजन शाही खुद ही कई बार अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं हम डायरेक्टर, राइटर और जितने भी जो शो को संभालते हैं वो पूरा दिन जो है सेट पर रहते हैं, स्टार तो 12 घंटे काम करते हैं, हम लोग तो पूरे जो है 18 घंटे काम करते हैं, हम लोग तो सोते भी नहीं हैं, और अगर हमें नींद भी आती है तो भी हमारा दिमाग पूरा जो है शो पर ही रहता है। भाई, जो अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान रखता है फिर वो नहीं देखता कि समाज उसे क्या कहेगा। ऐसे में राजन शाही ने अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने और भी अपने शो के खुलासे किए, जहाँ पे उन्होंने बताया शहजादा धामी और प्रतीक्षा तो जो है हमारे जो है रूल्स के अगेंस्ट चल ही रहे थे, जो हमें प्रॉपर जो है कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे, या ये कहें कि हमें जो है पूरा जो है अपना बेस्ट से बेस्ट नहीं दे रहे थे, उनको तो हमने फायर कर दिया। अभी उसी सेट पर तीन चार जने और ऐसे हैं जो कि रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, या ये कहें कि शो पर फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि राजन शाही की पॉलिसी को तोड़ रहे हैं, शो को एक मजाक में ले रहे हैं, सीरियस नाम की चीज नहीं है। सबसे ज़्यादा राजन शाही को गुस्सा आता है जब कोई सेट पर लेट आता है। लेट का मतलब, चलिए आप आधा घंटा लेट हो सकते हैं, 1 घंटा लेट हो सकते हैं, जब आप 3-3 घंटे लेट आएंगे तो यकीन मानिए आपका इंतज़ार करते करते इंसान सोचेगा कि अब मैं कौन सा शूट करूं, चलो इन्हीं का ही करा लेता हूं दूसरे स्टारों का। तो ऐसे में जो है अभी राजन शाही शायद एक और झटका देने के लिए तैयार हो रहे हैं अपने फैंस को, क्योंकि उन्होंने इशारा दे दिया है कि सेट पे तीन चार जने और ऐसे हैं जो कि रूल्स को तोड़ रहे हैं और हमें प्रॉपर जो है साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में मेरे शो में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। तो अब आप बताइए वो स्टार कौन हो सकते हैं, या फिर राजन शाही ने जो है सामने वाले जो थोड़ी बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर इस तरह का न्यूज़ दिया है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।